अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, एज यू नो द टाइम इज अप्रोचिंग और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम्स जो हैं वो करीब आ रहे हैं। एट द एनी पॉइंट इन टाइम के डेट्स अनाउंस हो जाएंगी एमओडी की तरफ से और आपको ऑनलाइन पोर्टल पे भी शो होना शुरू हो जाएंगी, आपके साथ उनकी अपडेट भी शेयर की जाएगी। आज की वीडियो जो है उसी सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमओडी से रिलेटेड टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को आसानी से क्रैक करने के लिए। अगर आप इन टिप्स पे अमल करते हैं तो आपको आपका एग्जाम क्रैक करना काफी आसान हो जाएगा। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और बहुत सी दूसरी वीडियोस हासिल करने के लिए, अपडेट्स हासिल करने के लिए, जॉब से रिलेटेड डाटा हासिल करने के लिए, टेस्ट से रिलेटेड डाटा हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल उस्ताची ऑनलाइन को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स जो कि आपको हेल्प करेंगी। अब सबसे पहले हमें देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके एग्जाम्स में क्या चीज जो है वो इंक्रीज हो गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये चीजें हैं जो इंक्रीज हो रही हैं डे बाय डे, जैसे हर साल जो है इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और इनकी जो स्ट्रेंथ है या इसकी जो कह सकते हैं कि लेवल है उसमें इजाफा हो रहा है। कैंडिडेट्स जो हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने टेस्ट सेंटर में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि हजारों की तादाद में कैंडिडेट्स वहां पर डिफरेंट टेस्ट सेंटर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तीन तीन चार चार लाइंस लगी होंगी आपको टेस्ट सेंटर में एंट्री के लिए, तो इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। जब कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर आप वहां पर कंपटीशन भी बढ़ता है। कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, कंपटीशन जो है विद एवरी पासिंग डे और एवरी पासिंग ईयर जो है वो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है और इसके साथ साथ जो टफनेस ऑफ एग्जाम है वो भी ज्यादा हो रही है। कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, टफनेस ऑफ एग्जाम जो है वो ज्यादा होता जा रहा है और उसके अलावा कंपटीशन जो है वो भी ज्यादा होता जा रहा है। किसी दौर में लोग जो है 60 नंबर हासिल करने के बाद, 60% मार्क्स हासिल करने के बाद टॉप कंटेंडर बन जाते थे, लेकिन अब जो है आपको टॉप कंटेंडर बनने के लिए 80-90 तक पहुंचना पड़ता है, फिर जाके आप जो है मेरिट क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, मेरिट को मीट करते हैं और आपको नेक्स्ट स्टेज में प्रोसीड किया जाता है। जो चीज कम होती जा रही है वो ये है कि सीट्स जो हैं वो कम है, ज्यादा सीट्स नहीं होती। अब अगर हम एडी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैटेगरी की बात करें और पंजाब की स्पेशली बात करें तो पंजाब में सिर्फ 10 सीट्स हैं, तो इसमें देखें आप कंपटीशन कहां पर पहुंचेगा। सब इंस्पेक्टर की जो है वो भी मैक्सिमम 20 सीट्स होंगी, आई थिंक 25 सीट्स होंगी पंजाब मेरिट के लिए। तो ये सीट्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जा रही है और उसके अलावा जो है आपके पास टाइम कम होता है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप बीएस 16 और बिलो सीट्स की बात करें तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो इसके लिए 100 मार्क्स के पेपर के लिए आपके पास सिर्फ 1 घंटा होता है और ये टाइम बहुत कम है। उसके अलावा आपके सर पे तलवार लटक रही होती है नेगेटिव मार्किंग की, अगर आप गलत टिक करते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो जाया होंगे और सही जो अटेम्प्ट किए हुए नंबर है उनमें से मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो टाइम जो है वो कम है, शॉर्टेज है टाइम की पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ये सारे सिनेरियो है जो कि जिसको हमने कवर करना है और देखना है कि हम किस तरह इन सारों चीज सारे जो हमारे पास डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स हैं, डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है वो किस तरह हम इजीली जो है वो टैकल डाउन कर सकते हैं और इन चैलेंजेस को किस तरह मीट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ गाइडलाइंस शेयर करता हूं, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह काफी ज्यादा फायदा होगा आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ये टिप्स एंड टेक्निक्स जो हैं कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आपने कुछ पास पेपर जो है वो पहले पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जाम में कौन कौन से पोर्शंस होते हैं और उनका लेवल क्या होता है, और उसके बाद जो है वो एग्जाम्स की तैयारी करें। आप तैयारी जब कर लें तो उसके बाद आपको फिर पास पेपर जो हैं जो कुछ रहते हैं या मजीद पेपर्स आप हासिल करें और उनको
जो है वो तैयार करें, उनको अटेम्प्ट करें, टाइम वॉच लगा के उनको अटेम्प्ट करें, ताकि जब आप इनको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आप जब एग्जाम में अपियर होंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा पेपर को अटेम्प्ट करना और विद इन टाइम अटेम्प्ट करना। और जो आपको एग्जैक्ट आंसर्स आते होंगे उन्हीं पर टट्टी कीजिएगा, जिनके बारे में आपको कन्फ्यूजन है उनके परसेंटेज लेवल देखें कि आपको कितने परसेंट श्योर हैं, कितने परसेंट जो है वो श्योर नहीं है आप, तो फिर आप उसको टिक करें, अदरवाइज मार्क्स आपने ज़ाया नहीं करने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए ये नंबर, और ताकि आप जो है वो टॉप कंटेंडर बन सकें इस सीट के लिए। तो जो पास पेपर्स हैं उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और टाइम लगा के प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो है वो पता हो कि आप एक पेपर को विद इन टाइम अटैम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपने उसको प्रैक्टिस कर करके उसको एक घंटे तक लेके आना है, और अगर आप एडी के लिए अप्लाई किया हुआ तो उसको 2 आवर्स से ज़्यादा क्रॉस नहीं करने देना 200 मार्क्स के पेपर के लिए। उसके बाद जो है टाइम, जिस तरह के मैंने कहा है कि टाइम ओरिएंटेड अप्रोच आपने ऑप्ट करनी है, ये नहीं है कि अगर आप पास पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप जितने मर्जी टाइम उस पर लगा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको लॉस इसका होगा, क्योंकि आपके पास वहां पर लिमिटेड टाइम होगा। अभी से प्रैक्टिस करें, अपनी तैयारी कम्प्लीट करने के बाद जो है वो इन टाइम ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाते हुए इसकी तैयारी करें इन पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो है आपके पास टू दी पॉइंट आपने प्रिपरेशन करनी है, आपने बहुत सारा डाटा, इस एक और पॉइंट है डाटा रेलिवेंस के, जो रेलिवेंट डाटा है वो पढ़ें, बहुत सारा डाटा, बहुत सारी बुक्स जो है वो आपको कंसल्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डिफरेंट बुक्स में से ये कर सकते हैं कि जो रेलिवेंट पोर्शन हैं वो उससे तैयार कर लें, ये ना हो कि आप सारे पोर्शन डिफरेंट बुक जो है वो हर बुक से तैयार कर रहे हैं, इससे आपसे कन्फ्यूजन होगी, कंसाइज और टू दी पॉइंट और रेलिवेंट डाटा आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, जिसका लॉस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज जो हैं उसके बारे में नो हो होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका जीके पोर्शन अच्छा है या इंग्लिश पोर्शन अच्छा है, तो उसके बारे में हाउ नो आपके पास होनी चाहिए कि आपके कौन से पोर्शन स्ट्रॉन्ग हैं। तो पेपर में जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शंस हैं उनको सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना है, ताकि ये ना हो कि टाइम की किल्लत की वजह से आपके वो पोर्शन भी रह जाएं जो कि आपको ईजिली आते थे, जिसके मार्क्स जो हैं आप ईजिली ऑब्टेन कर सकते थे। ये ना हो कि आप ऐसे पोर्शन को अटेम्प्ट करने में लग जाएं जो कि आपके वीकर पोर्शन थे, और उसको आपने ये सोच के अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया कि अगर मैं पहले इस पे टाइम जो है वो हो सकता है मेरा ज्यादा लगे, तो मैं इनको पहले अटेम्प्ट कर लेता हूं और जो बाकी पोर्शन हैं वो तो मुझे आते हैं तो मैं जल्दी कर लूंगा। ऐसा बाद अवकात ये आपकी टेक्निक कारामद साबित नहीं होती, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा होता है। तो सबसे पहले जो आपके एरिया स्ट्रांग हैं उनके नंबर्स को आप सिक्योर करें, और फिर जो है जहां पर आपको वीक लग रहे हैं उनके ऊपर बाद में काम करें। अगर वहां पर आप उनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए एडिशनल मार्क्स होंगे। वीकर पोर्शन जो है उन पे आपको काम करने की जरूरत है, उनको स्ट्रांग करें, क्योंकि उनसे आपको एज मिलेगा। हर इंसान का हर पोर्शन पे ग्रिप नहीं होती, कुछ लोगों के कुछ एरियाज पे ग्रिप ज्यादा होती है और उससे मार्क्स एक्वायर करते हैं, इसलिए आप अपने वीकर पोर्शन पे भी काम करें, ताकि आपको जो है दूसरे कैंडिडेट्स पे एज हो और आप कंपेरेटिवली ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकें, क्योंकि कंपटीशन, टफनेस ऑफ पेपर और कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर मैं दो चीजों पे आपका जो है वो फोकस करवाना चाहूंगा कि अगर देखा जाए एनालिटिकल रीजनिंग और कंप्यूटर पोर्शन को, तो जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें तकरीबन 25 से 30% पेपर जो है वो इन दो पोर्शन में से आता है, और अगर एडी की बात कर ली जाए तो वहां पर आप इसको 25% पेपर 25 को 50% पे ले जाएं, यानी कि अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो डबल प्रोपोर्शन कर लें जो कि 100 मार्क्स का है उसके उससे डबल कर लें आप, यानी कि 100 मार्क्स के पेपर में 25% इन दो पोर्शन में से कवर होता है, और जो अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो 50% ऑलमोस्ट जो है वो 50 to 60% पेपर जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग और कंप्यूटर पोर्शन का होता है। इसलिए आप इन दो एरियाज पे काइंडली जरूर फोकस करें, एनालिटिकल रीजनिंग को जाने ना दें और कंप्यूटर पोर्शन पे फोकस करें। एनालिटिकल रीजनिंग वो पोर्शन है जो कि आपको एज देगा, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं वो इन एनालिटिकल रीजनिंग को नहीं अटेम्प्ट करते, या अगर करते हैं तो गलत कराते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है।
बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फिर जाके उनका आंसर करना पड़ता है। तो मोस्टली कैंडिडेट इसको छोड़ आते हैं या अगर टिक करते हैं तो गलत कर लेते हैं। ये आपको प्रैक्टिस जो है वो आपको हेल्प करेगी एनालिटिकल रीजनिंग को इजिली अटेम्प्ट करने में। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, आप उसकी टेक्निक को समझ लेते हैं कि आपने स्टेटमेंट को किस तरह इजिली अंडरस्टैंड करना है और किस तरह उसको डायग्नोस करते हुए हमने राइट ऑप्शन जो है उसका इंतखाब करना है। और दूसरा है जी हमारे पास कंप्यूटर पोर्शन, नेटवर्किंग, डेटाबेस और प्रोग्रामिंग जो है, ये तीन पोर्शन होते हैं जिसमें से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप काइंडली इन पे जरूर फोकस करें क्योंकि 15% पेपर जो है वो 100 मार्क्स के एग्जाम में कंप्यूटर पोर्शन से रिलेटेड होता है और 30% जो है 200 मार्क्स के लिए कंप्यूटर पोर्शन से कवर होता है। तो ये टेक्निक्स हैं जो आपको ऑप्ट करनी चाहिए अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट जो है आपके लिए हमने एक व्यूअर्स बुकलेट भी तैयार की हुई है, आप अपनी डिफरेंट जो हमारी वीडियोस है उनमें से भी उनमें भी देखते हैं कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी के लिए, आप सीरियसली चाहते हैं कि इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करें, तो आपके लिए ये बुकलेट अवेलेबल है। इसको तैयार किया है मोडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने और एडिट किया है उस्ताची ऑनलाइन ने। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया था और उसके ऊपर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, उसको अच्छे तरीके से रिसीव किया गया कैंडिडेट्स की तरफ से और बड़े अच्छे कमेंट्स उस पर दिए जा रहे हैं कि वो काफी हेल्पफुल है उनके लिए। अगर आपने अप्लाई किया होगा असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैटेगरी के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर के लिए, असिस्टेंट के लिए, एएसआई के लिए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए, सुपरवाइजर के लिए, यूडीसी और एलडीसी के लिए, तो आपके लिए ये बुक जो है वो इंतहाई कारामद साबित हो सकती है क्योंकि इसमें तमाम पोर्शन जो है उनको कवर किया गया है और इवन के पास्ट पेपर्स लास्ट 10-12 इयर्स के सॉल्व फॉर्म में इसमें शामिल हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के अलग पोर्शन है, कंप्यूटर से रिलेटेड बल्क अमाउंट ऑफ डाटा है और हर पोर्शन को सेपरेटली जो है वो इस बुक में डिफाइन किया गया है। ऐसी बुक को ऐसे तैयार किया गया है कि आपको उसको पढ़ते हुए बोर ना हो, आप 3 से 4 दिन में अगर इसको रिवाइज भी करना चाहें बुक को तो आप इजिली इसको रिवाइज कर सकेंगे क्योंकि ये इस तरह तैयार की गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर किस तरह आपने प्लेस करना है, हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला ये है कि आप हमें व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप नंबर हमारा है जी 03077282824, 03077282824, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको बुकलेट चाहिए और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो है facebook.com/ustajionline1। इसके अलावा हमारा कोई पेज नहीं है, इसका लुक भी आपके सामने है, वहां पर जाके आप हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं कि आपको बुकलेट चाहिए और आपको बुकलेट फ्रॉम कर दी जाएगी। आपकी आसानी के लिए फेसबुक पेज का लिंक और व्हाट्सएप नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगा, आप वहां पर उसको पिक करते हुए इजिली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसका इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, क्योंकि क्यूरी हो कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताची ऑनलाइन को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और वो लोग जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें और लर्निंग और शेयरिंग के इस प्रोसेस में हमारा साथ दीजिए। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बुकलेट से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप और मैसेज फेसबुक पे मैसेज करते हैं पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।